नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। उमरिया जिले में एक पैथोलॉजी सील करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने जब इस मामले में जिला अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत देखी तो उसी दौरान एक पैथोलॉजी को सील कर दिया गया। दरअसल उमरिया में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें वहां से एक्सरे के लिए बाहर भेज दिया गया। उसी दौरान कलेक्टर भ्रमण पर निकले और नाराजगी व्यक्त करते हुए पैथोलॉजी सील कर दी। उनकी दुर्घटना हुई थी, उन्हें देखने हॉस्पिटल आया था। उनमें बताया गया कि एक व्यक्ति को चोट ज्यादा है और उसे एक्सरे कराने भेजा गया है। उसके पश्चात मैं लौट रहा था तो यहाँ मुझे स्ट्रेचर रखा दिखा, तो मैं लौट के आया कि स्ट्रेचर यहाँ क्यों है। मालूम पड़ा उस एक्सीडेंट वाले को यहाँ एक्सरे कराने भेजा गया था। इस पर मेरे द्वारा जांच की गई तो मालूम पड़ा ये एक्सरे लैब चलाने के लिए अधिकृत नहीं है। इनके यहाँ कोई एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है और जो खून की जांच वगैरह के लिए पैथोलॉजी के लिए भी इनके पास अधिकृत व्यक्ति आज कोई उपस्थित नहीं था। तो इनकी दोनों लैब सील की गई हैं और जांच की जा रही है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका हॉस्पिटल में एक्सरे होना चाहिए था और उन्हें प्राइवेट पैथोलॉजी या प्राइवेट एक्सरे में भेजकर उनके पैसे अनधिकृत रूप से खर्च करवाए गए। सर, ऐसी कार्रवाई के झोला छाप डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर की डेफिनेशन बताना बड़ी मुश्किल है क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सब रजिस्टर्ड हैं। कोई आयुर्वेदिक रजिस्ट्रेशन है, किसी का होम्योपैथिक रजिस्ट्रेशन है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन उनकी कार्रवाई थोड़ा इससे थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उमरिया कलेक्टर जब भ्रमण पर निकले तो जिला अस्पताल की बड़ी चोरी पकड़ी गई। जब कोई मरीज जिला अस्पताल इलाज के लिए आता है तो उसे एक्सरे और पैथोलॉजी से संबंधित जांच के लिए बाहर भेज दिया जाता है, जिससे अस्पताल के कर्मचारियों का कमीशन बनता था। लेकिन इस चोरी को जिले के कलेक्टर ने खुद ही पकड़ लिया और रोबिन पैथोलॉजी को सील करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मेरे पापा और ड्राइवर और एक कर्मचारी, पापा जी खेत लेके छपा जा रहे थे, तभी अचानक जो खलेसर नाक चढ़ैया में उसी पास ट्रक में एक्सीडेंट हो गया। तभी थोड़ा कुछ ड्राइवर ज्यादा घायल है तो ड्राइवर ने फोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो, मैं तुरंत घर से भागते आया। फिर 108 में कोई ने किसी ने कॉल किया एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस आया और उसने हम लेके आए यहाँ भर्ती किए। और भर्ती करने के बाद सिस्टर लोग ने भर्ती कर लिए और उसको मलहम पट्टी हुई, कोई देखने वाला नहीं था। फिर हम सोचे अपने हिसाब से, उसके कमर में पीछे ज़्यादा मतलब तकलीफ था तो हमने बाहर एक्सरे कर ले गए। यहाँ इसलिए कोई देखने वाले पता है कि यहाँ सब आज बंद है, तो कोई देखने वाला नहीं था, तो हमने अपने हिसाब से ले गए बाहर कि एक्सरे करवा दें, क्योंकि उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ कोई देखने वाला, ना कोई डॉक्टर देख रहा था ना कोई देख रहा था। हमने वहाँ आए तो एक्सरे कराए तो वहाँ टाइम लग गया, गाड़ी करीब आधा घंटा हमको वहाँ खड़े हो गए। इतने में कलेक्टर साहब वहाँ से निकल रहे थे तो हमको देखा, हमने उससे पूछा क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हो आप। बोले सर यहाँ एक्सरे करवा रहे हैं। बोले अस्पताल में नहीं हो रहा। बोला सर कोई वहाँ देखने वाला नहीं है। तो हो गए कलेक्टर साहब, फिर बोले कि चलो आप ले चलो अस्पताल में, हो गए एक्सरे, तो हम भी वापस ले आए अस्पताल जी। अभी अभी लाइन में लगा, अभी हुआ नहीं सर, अभी नहीं हुआ अभी। अब यहाँ मशीन खराब है सर, आधा घंटा से वो परसेंट अभी परेशान हो रहा है। कोई यहाँ मशीन खराब है, कोई देखने वाले नहीं है। जब से अभी आधा घंटा हो गया सर, आधा घंटा हो गया कि अभी डॉक्टर साहब बोले कि ले चलो सर, अभी तक हुआ नहीं क्योंकि मशीन खराब है यहाँ। अभी दूसरी मशीन बाहर से मंगाई गई है।